मोदी का आगमन होना है, जिसको लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। प्रशासन ने 29 तारीख की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त पुलिस बल चित्रकूट पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसके लिए निरंतर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अंकित मित्तल निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे स्थल को 6 जोन में बांटा गया है। 20 जनपदों से पुलिस बल बुलाई गई है। अर्धसैनिक बल पीएसी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ एसपीजी और प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष उड़न दस्ते भी आए हुए हैं। देखिए सपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा चित्रकूट के लिए है। यहाँ प्रधानमंत्री एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे और यहाँ पे कई और भी योजनाओं का वो उसको उद्घाटन कर सकते हैं। इसकी जानकारी के और भी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह रहेगी, यहाँ पे आज हमारे साथ उत्तर पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल जी चित्रकूट के जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कितनी फोर्स बाहर बुलाई गई है और क्या सुरक्षा व्यवस्था में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। जी सर, चित्रकूट में 29 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और कितनी अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है कि यहाँ उनके व्यवस्था को देखते हुए? देखिए, जो प्रस्तावित कार्यक्रम बनाया गया है चुनाव के तहत, इसको लेकर हम लोगों ने पूरा सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किया है। हम लोगों ने 6 जोन में पूरी सुरक्षा व्यवस्था को बांटा हुआ है, जिसमें हमने लगभग 20 जनपदों से फोर्स बनाई है। इसके अतिरिक्त स्टेट आर्म पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 6 कंपनियां हमें प्राप्त हुई हैं। हम लोगों ने पूरा डिटेल्ड इसका यातायात और साथ ही साथ सुरक्षा का दोनों का हमने प्लान किया है। ये थे अंकित मित्तल जी, पुलिस अधीक्षक चित्रकूट, जिन्होंने बताया कि इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर तरह के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। प्रत्येक जितनी फोर्सों की आवश्यकता थी, उन फोर्सों को भी बुला लिया गया है। आगे इस तरह के कभी फोर्स की कोई कमी ना होने पाए, इसके लिए भी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। चित्रकूट से के न्यूज़ के लिए शाह आलम।